हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आर बीडिट्स। सो गाइस, आज की इस नए वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इस तरह के न्यू ड्यूल क्रिएटिव फोटो एडिटिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना बिना स्किप किए, ठीक है। और गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते गाइस अपने फोटो से। तो गाइस, ऐसी कमाल की फोटो एडिट करने के लिए आपको दो फोटो क्लिक करना है। एक फोटो कुछ ऐसी पोज में, आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा पोज है, एंड दूसरी फोटो गाइस कुछ ऐसी पोज में। ओके, ऐसी दो फोटो आपको क्लिक करना है। एंड फोटो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बैक चलना है और सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ पिक्सआर्ट। तो देखिए, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस, हमें यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड एडिट अ फोटो पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ से गाइस बैकग्राउंड में जाके वाइट कलर वाली बैकग्राउंड आपको ऐड करना है, यहाँ से कुछ ऐसे, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह की वाइट बैकग्राउंड। एंड गाइस, इसको हमें क्रॉप करना है सबसे पहले। तो क्रॉप करने के लिए टूल्स पे जाना है, देन यहाँ पे क्रॉप ऑल ऑप्शन है। यहाँ पे गाइस इसको क्रॉप करना है 3.4 के साइज में, ठीक है। देन ऐसे कर लेना आपको डन। ओके, इतना करने के बाद गाइस आपको एक फ़ोटो ऐड करना है अपनी। तो फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड फोटो वाला ऑप्शन है, बस यहाँ पे चलते ही ऐड फोटो पे और अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पर फोटो ऐड करने के बाद गाइस हमें इसके बैकग्राउंड को इरेज करना है सबसे पहले। तो बैकग्राउंड इरेज कैसे करेंगे, तो गाइस यहाँ पे फ्री क्रॉप का यूज़ करना है हमें, ठीक है, बैकग्राउंड इरेज करने के लिए। तो इस पर क्लिक करते हैं एंड ब्रश पे क्लिक करना है गाइस सिंपली। देन हार्डनेस को रखना आपको 95 के आसपास और साइज़ यहाँ से आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, इसके बाद फोटो को हम जूम कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से ड्रा करेंगे अपने बॉडी को। बॉडी को सिलेक्ट करेंगे इस रेड कलर से, ठीक है। तो गाइस, मैं इसे थोड़ा सा फटाफट से कर लेता हूँ ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। सो गाइस, देखिए यहाँ पर मैंने फोटो का बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट तरीके से इरेज कर लिया हूँ। और आपको भी इसी बैकग्राउंड को इरेज करना है, ठीक है, टाइम देके, तभी आपकी फ़ोटो अच्छी दिखेगी। और इस फोटो की मेन चीज़ है इसका बैकग्राउंड इरेज करना, ठीक है गाइस, ये ध्यान से करना है आपको। एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको सेट करना है और सेट करने के बाद गाइस आपको ये इफेक्ट वाला ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड इफेक्ट के अंदर आने के बाद कलर्स पे जाना, यहाँ पे गाइस आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट वाला इफेक्ट चूज़ करना है और इसके अमाउंट को ज़ीरो कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कर लेना है डन। सो ये देखिए ब्लैक में कन्वर्ट हो चुकी है अपनी फ़ोटो। तो सिंपली यहाँ से कर देना आपको डन। ओके, अब डन करने के बाद ऐड फोटो पे चलना है और आपको लाइट वाली पेंच ऐड करना है। सो ये रही लाइट की पीएनजी, इसको ऐड करना है, ठीक है। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो इसको गाइस आपको कुछ इसे जूम करना है और इसके ब्लेंडिंग मोड को कर लेना आपको स्क्रीन, ठीक है, और कुछ ऐसे सेट कर लेना है सिंपली। देन गाइस यहाँ से कर लेना है डन। ओके, एंड दोबारा आपको ऐड फोटो पे जाना है एंड अपनी दूसरी मॉडल वाली फ़ोटो को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, देखिए यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया हूँ अपनी फ़ोटो और इसका बैकग्राउंड मैं पहले से इरेज करके रखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करना है। ओके गाइस, फिर आपको लेना है इरेजर एंड इरेजर के हार्डनेस को आपको ज़ीरो करना है एंड साइज़ को इतना रख लेना है 50%, ठीक है। और नीचे से आपको हल्के हल्के अच्छे से ड्रा कर लेना है, मतलब ऐसे इरेज करना है। ओके, कुछ ऐसे देने से कर लेना आपको डन।
और यहाँ पे हम सेट कर लेंगे अच्छे से। अब ठीक है, एंड दोबारा आपको यहाँ से गाइस डन करना है। ओके, इसके बाद जाना है ऐड फोटो पे और लाइट वाली पीएनजी आपको ऐड करना है। सो इसके ब्लेंडिंग मोड को कर लेना आपको स्क्रीन, एंड यहाँ पे गाइस आपको कुछ ऐसे सेट कर लेना है, ठीक है, हेयर के पास, और इसके ऑपेसिटी को आपको कम करना है लगभग यहाँ तक, ठीक है, 70%। साइज को थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, देन ऐसे कर लेंगे डन। ओके, सो इतना करने के बाद गाइस आपको सिंपली ड्रॉ टूल पे चलना है एंड थ्री डॉट पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है। ओके, एंड इस फोटो को आपको ओपन कर लेना है लाइटर में एप्लीकेशन के अंदर, थोड़ी बहुत रिटचिंग करेंगे इस फोटो में। ओके, तो यहाँ से बैक चलते हैं और लाइटर में एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे सिंपली। और यहाँ पे ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे, ऐड फोटो से अपनी फोटो को ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर देखिए अपनी फोटो ऐड हो चुकी है, इसके ऊपर हम टैप कर लेते हैं। और यहाँ पे गाइज हम सबसे पहले इस फोटो में लाइट एडजस्टमेंट करेंगे, तो इसके लिए आप इस सन वाले आइकन पर जाएंगे, हाईलाइट को थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ मैं, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा प्लस करना है। इसके बाद शैडो को भी आपको प्लस करना है थोड़ा सा, ठीक है, वाइट को कर लेंगे थोड़ा सा प्लस एंड ब्लैक को माइनस। ओके, इसके बाद कलर्स पे जाएंगे, वाइब्रेंस को इसके थोड़ा सा प्लस करना है एंड मिक्स पे जाते हैं सिंपली। रेड कलर का सेचुरेशन थोड़ा सा प्लस करेंगे, ऑरेंज कलर का थोड़ा सा माइनस एंड लुमिनस को प्लस। ओके, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद येलो कलर का सेचुरेशन प्लस करेंगे, येलो कलर अपने लाइट के ऊपर है आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा प्लस। देन बाकी ये कलर अपनी फ़ोटो में है नहीं, तो यहाँ से कर लेते हैं सिंपली डन। एंड इफेक्ट पे जाएंगे, क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, मैग्नेट को करना है थोड़ा सा माइनस। अब देखिए गाइस यहाँ पर हमारी फाइनली फोटो एडिट हो चुकी है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस आपको फोटो को सेव करना है तो शेयर बटन पर टैप करके सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर देना है। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।